हम सब लोगों को जो है कांग्रेस के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जिसका डीएनए कांग्रेस का, जो कांग्रेस की विचारधारा में व्यक्त करता है। मैं ये अपील जो है आज इस मंच के माध्यम से तमाम लोगों से करना चाहता हूँ। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बतौर अध्यक्ष के रूप में अरविंदर सिंह लवली ने किया पद ग्रहण। जी हां, आपको बताया चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कांग्रेस की कमान पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली ने आज आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान कांग्रेस के अलग अलग गुटों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लंबे अरसे बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली द्वारा स्वीकार करने पर खुशी जाहिर की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमें उम्मीद है आपके नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस फिर से बुलंदियों को छुएगी। श्री अरविंद सिंह लवली को पुनः प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का आभार व्यक्त करते हैं। तो इसके पक्ष में सब हाथ जोड़ करके उन पर विश्वास करते हैं कि जो जिम्मेवारी अरविंद जी को दिए दिल्ली की मैं लवली जी का बहुत बहुत मुबारक बार देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लवली जी, हम सब आपके साथ हैं। जनवरी में कांग्रेस को सत्ता बनाएगी, इसी तरह अब लवली जी के नेतृत्व में भी कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। इन्हीं शब्दों के